रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ सतारा। सतारा में कास प्लेटू करके एक जगह है, आपने सुना ही होगा कास पठार। ये बेसिकली दिस इज़ नॉट द करेक्ट सीजन टू गो देयर, बट मैं जा रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लोर। कास पठार फेमस है फ्लावर्स के लिए, उसमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स होते हैं। आपको बारिश के इमीडिएट बाद ऑलमोस्ट सितंबर में जाना होता है, बट आज मैं जा रहा हूँ जस्ट टू एक्सप्लोर सम डिफरेंट लोकेशन। इसके लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ आज। तो दोस्तों, अभी मैं बेंगलोर हाईवे पे हूँ और कहीं पे बारिश लग रही है, कहीं पे धूप उग जा रहा है। तो मैं घर से जब निकला था तो बिना रेन गियर के निकला था। मेरे टॉप बॉक्स में मैं रेन गियर्स रखा था, बीच में बारिश लग गई तो फिर पहनना पड़ा। अभी मैं पहन ही लिया है फाइनली, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ फॉर अनदर सीनिक ड्राइव। फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर। सो फाइनली वो ट्रैफिक से निकल गया दोस्तों। टू व्हीलर था इसलिए इजीली निकल गया, वरना फोर व्हीलर अभी भी फंसे हैं पीछे। दोस्तों फिर से ट्रैक चेंज हुआ गाने का, और जो गाना आया है मैं क्या बताऊं। मौसम आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा एकदम सूट करता है मौसम को दोस्त। कहीं पे धूप है, कहीं पे बारिश है। तो दोस्तों देखिए, अभी थोड़ी तेज़ बारिश हो रही है। अभी मैंने वो वाटरप्रूफ ग्लव्स भी पहन लिया है, जैसा आप देख रहे हैं वो वाइटेरा का टुंड्रा है। इट्स अंदर का जो थिकनेस लेयर है वो थोड़ा मोटा है, जो अंदर का जो लाइनर होता है। इसके लिए मैं इसको हेवी रेन के लिए रखा है। यहाँ का मैं वेदर फोरकास्ट देख के निकला था कि बारिश नहीं होगी, पर मुझे पूरा भरोसा था कि हमारा जो IMD बोलता है उसका उल्टा ही होता है, इसलिए मैं फुल प्रिपरेशन के साथ निकला था। अभी भी मैं वेदर चेक किया तो बता रहा था कि सतारा में नो रेन टिल 11:30। अभी 9:25 ही हुआ है, बट आई एम इंजॉइंग। तो दोस्तों, इन्जॉय करना लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जो भी पैशन है उसको फॉलो कीजिए। मस्त बारिश में गाने सुनते हुए जा रहा हूँ किशोर कुमार के। तो सतारा यहाँ से अप्रोक्स 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर, 1 घंटे लगेंगे जाने में। और जैसा कि आप देख रहे हैं रोड पर ट्रैफिक तो है नहीं।
देखिए दोस्तों फिर से धूप उग गया है, हम ऑलमोस्ट सतारा पहुंचने वाले हैं। टाइम हो रहा है 9:43 AM। तो मोस्ट प्रॉब्ली 10 बजे तक मैं सतारा में रहूँगा एंड उसके बाद हाफ एन आवर मोर अप्रॉक्स टू कास वैली। तो दोस्तों मैप जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है 42 मिनट्स टिल कास प्लेटू। सो अप्रॉक्स टाइम आई विल बी रीचिंग एट 10:30। देखिए ये कैसे क्रॉस कर रहे थे रोड, एकदम से दौड़ जाते हैं बीच में। सो फ्रेंड्स आई एम अबाउट टू रीच सतारा, एक्चुअली सतारा आ ही गया है एंड यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है एज एक्सपेक्टेड, बादल छाया है ऑल्दो एंड हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वीडियो में आपको हवा का आवाज़ आ रहा होगा ऑल्दो मैंने हेलमेट का वाइजर बंद कर रखा है, बट थोड़ा बहुत तो आएगा ही। आई होप कास प्लेटू में वहाँ पे बारिश नहीं होनी चाहिए। मुझे थोड़ा इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा क्योंकि मैप में दिखा रहा था राइट, ऑल्दो आगे भी चला जाता तो रिटर्न आना पड़ता, बाकी कुछ होता नहीं। तो दोस्तों अभी रिसेंटली आई थिंक 3 or 4 months बैक मैं इधर कान्हेर डैम आया था, तो कान्हेर डैम का लिंक मैं आप ऊपर देख सकते हैं। तो गाइस दिस इज सतारा, सतारा का कंदी पेड़ा बहुत फेमस है। सो रिटर्निंग में मैं देखूंगा अगर टाइम एंड वेदर बहुत सपोर्ट किया तो पेड़ा लिया जाएगा, बट चलो आप भी एंजॉय कर सकते हैं पेड़े को। सो फ्रेंड्स दिस इज सतारा, वेलकम टू सतारा। दोस्तों लास्ट ईयर में यहाँ पे ड्यूरिंग मानसून ठोसेगर वाटरफॉल आया था, ये सतारा में ही आता है। जैसे पुणे के आसपास बहुत सारे लोकेशंस हैं ड्यूरिंग मानसून घूमने के लिए, सतारा के पास भी सेम है। तो ठोसेगर वाटरफॉल आया था, वहाँ का मैं वीडियो देख सकते हैं ऊपर, आप ऊपर लिंक पॉपअप हुआ रहेगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए फॉर सीनिक कास प्लेटू। सो कास यहाँ से दिखा रहा है 22 किलोमीटर। सो दोस्तों घाट सेक्शन स्टार्ट हो गया है टुवर्ड्स कास वैली। कास में पहले कभी नहीं आया, सो इट्स माय वेरी फर्स्ट ट्रिप। सो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, जहाँ भी अच्छे सीनरीज होंगे वहाँ पे रुक के मैं कैप्चर करूँगा और आपको भी इन्जॉय करवाऊँगा। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई चैनल ESPN_vlogs007। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, एनी पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक वॉट एवर, आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियो बनाने के लिए।
देखिए दोस्तों क्या शानदार लोकेशन है, यहाँ पे रुक के एक रील बनाना तो बनता है। तो दोस्तों आई एम ड्राइविंग ऑन कास प्लेटू टुवर्ड्स कास प्लेटू। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुका था एक रील बनाने के लिए, आपके लिए मैंने सीनरीज कैप्चर किया है, सो आपको वीडियो में दिखेगा। दोस्तों रोड शानदार है यहाँ के, आगे का मैं आपको अपडेट करूँगा। अभी तक तो रोड एकदम शानदार बना हुआ है और देख के लगता है कि वेल मेंटेन्ड है। देखिए दोस्तों कार में जो सनरूफ है उसका फायदा, काइंड ऑफ ड्रोन शॉट ले सकते हैं आप। देखिए दोस्तों आपके लिए मैं स्टाइलिंग कर रहा हूँ ताकि हैंडल बार ना दिखे। देखिए क्या शानदार लोकेशन है, दोस्तों क्या शानदार लोकेशन है। देखिए दोस्तों ये कास पठार कास प्लेटू की तरफ जाने में बीच में ये लोकेशन पड़ता है, कितना शानदार दिख रहा है। वो बादल उड़ते हुए दिख रहे हैं पहाड़ों के बीच, कहीं धूप है कहीं छाव, ऑसम लोकेशन। तो दोस्तों बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, तो पहाड़ी एरिया में जहाँ पे हिल स्टेशन काइंड ऑफ होता है वहाँ पे ऐसा ही मौसम होता है, कभी बारिश कभी धूप कभी तेज हवा। तो अभी भी 13 मिनट दिखा रहा है, मैं बीच में रुक गया था फोटो खींचने के लिए। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, अभी आप मोबाइल या टीवी में देख रहे होंगे बट आप सोचो जब रियल में आप आओगे यहाँ पे तो कितना अच्छा लगेगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बारिश में भीगना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, तब जाके कोई वीडियो बनता है, उसमें एडिटिंग का एफर्ट। तो दोस्तों इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एटलीस्ट एक लाइक तो बनता है, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा मुझे और वीडियो बनाने के लिए। ये देखिए हेयर पिन बेंड, ये
एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं। तो दोस्तों, आज तपोला जाने का भी प्लान था, लेकिन अभी रिसेंट वीडियो देखा तो वहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई नहीं है, तो तपोला को मिनी कश्मीर भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट प्लान देखते हैं वहीं का होगा। भंडारदारा भी एक मेरे लिस्ट में था, बट अगेन सिंस ज़्यादा बारिश हुई नहीं है तो वाटरफॉल जैसा देखने को मिलेगा नहीं। YouTube पे 11 डेज ओल्ड एक वीडियो पड़ा था कि, तो उसमें देखा कोई पानी नहीं था, तो मतलब नहीं बनता है वहाँ जाके। तो देखिए दोस्तों, कितनी तेज़ बारिश हो रही है यहाँ पे। ऐसी बारिश होनी चाहिए तब जाके वाटरफॉल बनेगा, वाटरफॉल दिखेगा। सह्याद्री व्याघ्र राकिव कराड। इसका मतलब ये मराठी में था बट हिंदी में लिखने का मतलब है सह्याद्री टाइगर राकिव मीन्स प्रोटेक्शन काइंड ऑफ, कराड इज द प्लेस नेम। तो दोस्तों, मैं ड्राइव कर रहा हूँ कास्ट प्लेटू पे, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो दोस्तों, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो मुझे ही कहीं पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि जो डेस्टिनेशन मैं सेट करके आया था मैप में वो क्रॉस हो चुका है। This is Caste Valley. Okay, मैप के हिसाब से तो कास्ट पठार यही है, बट जो ऊपर जो बोर्ड लगा है उसके हिसाब से कास्ट पठार इज 1 किलोमीटर मोर। तो लेट्स गो गाइज। देखिए दोस्तों, यह है कास्ट प्लेटू, पूरा फॉग है यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ बाइकर्स हैं, कुछ कार से भी लोग आए हैं, बट नथिंग इज विजिबल। हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। थोड़ी देर यहाँ पे रुकूँगा सो दैट फॉग क्लियर हो। देखिए दोस्तों, यह है कास्ट प्लेटू, बारिश हो रही है और पूरा फॉग है। इमेजिन अगर ये फॉग नहीं होता तो कितना शानदार होता ये लोकेशन। मैं वाइज़र बंद करता हूँ, आपको आवाज़ ठीक से आएगी। हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखिए बारिश का पानी। हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कोई अपनी छतरी या अम्ब्रेला खोल ले तो उड़ जाए हवा में पैराशूट के जैसा। मैं बाइक चला रहा था तो बाइक पे बहुत प्रेशर बन रहा था।
दोस्तों देखिए, फास्ट प्लेटू में आने का फायदा, एकदम फॉगी मौसम है और बारिश हो रही है, आप अगर यहाँ कार से आएंगे तो ज़्यादा एंजॉय करेंगे। देखिए यहाँ पे वाटरफॉल है तो लोग रुके हैं यहाँ पे, छोटा सा वाटरफॉल जैसा। देखिए दोस्तों, ये कास प्लेटू पे बारिश का जो पानी बह के आ रहा है, वाटरफॉल जैसा माहौल बन रहा है, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। ऑसम लोकेशन awesome।